नमस्कार। क्रिसमस आ रहा है या कोई भी त्यौहार आ रहा है, चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार है। अपने हिंदुस्तान में बहुत से त्यौहार हैं और बहुत सी फेस्टिवल हैं, बहुत ही धूमधाम से और अच्छे से मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एक अपना देश ही ऐसा है जो कि फेस्टिवल, ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ये आपका पारसी लोग हो। तो आज मैं आपके पास एक जो बिजनेस लेके आया हूँ, वो जो सीजनल फेस्टिवल होते हैं उसका बिजनेस है। अभी जैसे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रहा है। अब क्रिसमस में होता क्या है कि जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया और कैप हो गई, कैप जो कैप लगाते हैं, जो ये आते रेड कलर और वाइट कलर की होती है, वो कैप लगाते हैं। फिर इसके बाद कैप के बाद वो स्टार आता है, वो लगाते हैं। क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाते हैं। और ये जो कौन से रेड कैप जो लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेंटा क्लॉज। तो वो एक तरह से एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो इनका जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। सेंटा क्लॉज आते हैं, तरह तरह के रूप बनाते हुए आते हैं और बच्चों को चॉकलेट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बड़ों को देते हैं। तो आज मैं आपके पास जो बिजनेस लेके आया हूँ वो बहुत ही कम पूंजी का है और सीजनल बिजनेस है। तो आपको क्या करना है, एक टेबल कुर्सी स्ट्रीट पे, खास तौर से जहाँ पे चर्च हो उसके सामने और मार्केट में, जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरे को यहाँ ये मेरा आइटम बिचेगा, क्रिसमस ट्री। और उस पे क्रिसमस ट्री आपको, और ये जो क्रिसमस डेकोरेशन आइटम है, ये होलसेल रेट में आपको लेना है। और ये इंडिया की हर मार्केट में होलसेल मार्केट होती है, वहाँ से लेना है। तो आप उसमें क्रिसमस ट्री जब उनके पास जाओगे, स्टेशनरी वाले भी रखते हैं, होलसेलर रखते हैं, और जहाँ भी होलसेल मार्केट है, चाहे वो कोई भी शहर हो, आप जा करके ये धंधा शुरू कर सकते हैं। और सीजनल के हिसाब से ये आप कम से कम नहीं तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट है। जहाँ से आप लेंगे क्रिसमस ट्री, उनके पास डेकोरेटिव आइटम भी रहते हैं, जैसे फुलझड़ी हो गया, पेपर के आइटम हो गए, लाइट्स हो गई, झालर जिसको बोलते हैं उसको, ऐसे सजा के आप जहाँ पे आप ये करोगे, टेबल कुर्सी अपना लगाओगे, उसके चारों तरफ आप ये ट्री और ये जो कैप है ये आप रख दो, और रोड्स पे रख दो आप, और जिसके पास कुर्सी और वो नहीं है, चद्दर बिछा करके ही कर लो, शर्माने की जरूरत नहीं है इसमें। 5-6 दिन का काम रहता है, आज हो गई 18 तारीख और आपको 6-7 दिन बचे हुए हैं, कल से ये काम शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा इसमें लागत भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-4,000-5,000-6,000 आप होल सेलर से लीजिए और ये आइटम आप बेचिए जो भी क्रिसमस में यूज़ होता है। मैंने आपको क्रिसमस ट्री बताया और ये बताया, जो कैप्स होती है सेंटा क्लॉज जो पहनते हैं बच्चे, अच्छा ज़रूरी नहीं कि वो क्रिश्चियन बच्चे ही इसको पहनेंगे। मैंने देखा कि कोई भी धर्म के हो, बच्चे रोने लगते हैं कैप देख करके कि मम्मी मेरे को दिलाओ, पापा मेरे को कैप दिलाओ, तो दिला देते हैं। 10-20-25-50 की आती है वो, आपको 5-6 रुपए की लागत से मिलेगी, होलसेल में 10 रुपए की मिल जाएगी, मुनाफा 5-10 गुना है इसमें। ऐसी तरह ट्री है, ट्री भी कई साइज के रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-10,000 के अंदर ही आप कर सकते हो। और ये सब सीजनल बिक जाता है। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बच भी जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के काम आएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि जो सीजनल काम करते हैं, जैसे कि पटाखा वाले पटाखा काम करते हैं, फूल वाले फूल का, नवरात्रि ये सब काम करते हैं, ये है क्रिसमस का काम हो गया, अगर इनका बच भी जाता है, दीपावली के त्यौहार वाला आइटम बच भी जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेते हैं। उसी तरह क्रिसमस के जो ट्रीज हैं और ये डेकोरेटिव आइटम है, अगर आपका बच भी गया तो आपको नुकसान नहीं होने वाला, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो सीजनल जो धंधा होता है, ये अच्छा अमाउंट देके जाता है, पूंजी कम लगती है, लोग टूटते हैं इस पे,
त्योहार आ रहा है, कोई भी त्योहार आएगा इंडिया में टूटते हैं लोग लेने के लिए, हाँ मुझे फेस्टिवल मनाना है ये। तो ये जो क्रिसमस है एक्चुअली में ये क्रिश्चियन का त्यौहार है, लेकिन लेकिन जो आप जैसे मेरा घर है मैं भी लेके आता हूँ, मैं डेकोरेटिव आइटम के लिए मैं क्रिसमस ट्री रख दिया, उसमें झालर लगा दिया, वो अच्छा लगता है, ड्राइंग रूम में रख दिया, फिर स्टार जो हैंग करते हैं जो जिसमें लाइट्स लगी रहती हैं बीच में कलरफुल लाइट रहती हैं वो हैंग कर देते हैं, जो दिवाली में हम लोग करते हैं वो क्रिश्चियन में इसमें क्रिसमस भी लोग करते हैं। मैं क्रिसमस में एक बार गोवा गया था, क्रिसमस के दिन रात ही गया था मैं, तो मैं जब गोवा का जो बेल चालू हुआ तो रेलवे किनारे ढेर सारे जो घर थे पोर्चुगीज घर वो गोवा में जो होते हैं उन्होंने ढेर सारे क्रिसमस ट्री लगा के रखे थे और वो लगा के रखा था जो लाइट्स होती हैं, तो लाइट सब जगह चलती हैं। तो आपके पास 3-4 आइटम हो गए, फिर आप दुकान जब जाओगे क्रिसमस के और भी लेटेस्ट जो टॉयज होते हैं ये होता है वो होता है, सब बहुत से आइटम होते हैं। तो आपको 2-3 जगह है, पहला आपका जो स्पॉट है वो है आपका चर्च, जहाँ पे चर्च होते हैं, चर्च बहुत जगह होते हैं, फिर आपके जो मार्केट में आप लगा सकते हो, स्ट्रीट में लगा सकते हो, रोड पे लगा सकते हो, ये 5-6 दिन का रहता है फेस्टिवल और वो बिकता है, लोग मजाक मजाक में अच्छी खुशी से ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो सीजन जो सीजनल जो फेस्टिवल जो बिजनेस होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रॉफिट और मार्जिन बहुत रहता है। मान लीजिए कि आपने 5-10 हज़ार का लगाया, आपका 25-50 हज़ार रुपये तो ऐसे ही बन जाएगा उसमें। फिर आपके पास मान लीजिए कि बिक गया, आपका माल खत्म हो गया, तब आप होलसेलर से फिर से ले आओ, ले आओ उनको बेचो, आप फिर से ले आओ उनसे बेचो, तो 6-7 दिन की अच्छी कमाई हो जाती है। तो अभी क्रिसमस एक्चुअली में आने वाला है, तो इसके लिए मैं मेरे को दिमाग में आया कि इसमें भी बिजनेस आइडिया, क्योंकि मैं मार्केट में जा रहा हूँ बहुत ढेर सारे लोगों ने लगा रखा है स्ट्रीट पे दुकान, ये तो आप क्यों पीछे हटो, आप भी जाओ मार्केट जाओ और वहां से लेके आओ आइटम और कमाओ पैसा उससे। तो मेरा जो वीडियो था आज ये हैप्पी क्रिसमस के ऊपर था, जो कि 3-4 प्रोडक्ट्स है होलसेल ले आ करके 5-6 दिन में या 25-50 हज़ार रुपये बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सेल करते हो, नुकसान होना नहीं है इसमें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो वो चाहे वो कोई रिलीजन का हो उससे मतलब नहीं है, ये आप दुकान में जाओ माल लो लगाओ, कैसे लगाना मैंने बता दिया आपको, चद्दर में भी लगा सकते हैं, टेबल कुर्सी में लगा सकते हैं, तो छोटे छोटे कामों में मुनाफा बहुत होता है। फिर आप जब इस धंधे में आओगे सीजनल वो धंधे में, तो आपको आपको यकीन नहीं होगा कि 12 महीना हर महीने 2-3 रहते हैं फेस्टिवल्स, कमी नहीं है फेस्टिवल की, सिर्फ आप अपनी सोच बदलो और पैसे कमाओ। जो मैंने आपको बताया ये क्रिसमस के प्रोडक्ट्स लाके, आप फूल भी ला सकते हो, गुलदस्ते लाते हो जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं बना बना के बुके लोग गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, वो भी इंक्लूड कर दे। तो आप जो होलसेलर के पास जब जाओगे क्रिसमस के आइटम के, तो जो भी इंट्रोड्यूसिंग है जो भी नए नए प्रोडक्ट्स है वो आपको खुद दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।